हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपको नहीं परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके एग्ज़ाम काफ़ी पास है, पर इसी एग्ज़ाम के बीच कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर गलत डल गए हैं, या खो गए हैं मोबाइल नंबर, या वो नंबर बंद हो गया, या ईमेल एड्रेस गलत डल गया, भाई बहन का डाल दिया, या साइबर कैफ़े वालों ने अपना डाल दिया है। बट एग्ज़ाम में जब रजिस्ट्रेशन होता है तो आपको अपना ही ईमेल और मोबाइल नंबर रखना होता है SOL के अंदर। अगर आप SOL के स्टूडेंट हैं तो हम यहाँ आपको हाउ टू चेंज मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस इन DU SOL, इसके बारे में आज आपको बताएंगे कि मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस कैसे चेंज करें, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस चेंज करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उससे पहले स्टेप बाय स्टेप करके सारा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या SOL के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हम आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट देते रहते हैं। तो पहले तो आपको ये साइट आपको सर्च करनी है soldu.ac.in। जैसे आप सर्च करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे इनके फ्रंट पे आने का ये जो लिखा आ रहा है आपका कंटिन्यू टू वेबसाइट, इस पर आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप अंदर आ जाओगे। जैसे ही आप क्लिक हेयर टू वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो आप इसके अंदर आ जाओगे। तो यहाँ आपको पहले दिख रहा होगा ये जो स्टूडेंट की शक्ल बन गई जिसका आंखें वगैरह कुछ नहीं है, तो इसी पे ये एक लोगो है। स्टूडेंट डैशबोर्ड पे आप क्लिक करोगे, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप उस पोर्टल पर आ जाओगे जहाँ पर आपको अपना डैशबोर्ड लॉगिन करना है। तो ठीक है, तो अब हम लॉगिन करते हैं। अब देखिए, लॉगिन करने के लिए आपसे दो चीज़ मांगेगा। पहला मांगेगा आपका SOL रोल नंबर। तो SOL रोल नंबर कहाँ होता है, आपके ID कार्ड में रेड कलर में मेंशन होता है SOL रोल नंबर 21 माइनस ऐसे करके कुछ लिखा होगा, देख लेना आप, ठीक है। तो SOL रोल नंबर हो गया। और बारकोड कहाँ होता है, कई स्टूडेंट को नहीं पता बारकोड क्या कहाँ होता है। तो आप अपनी फ़ी स्लिप देखना, फ़ी स्लिप में बारकोड करके मेंशन होगा, सबसे बड़ी डिजिट के नंबर होते हुए बारकोड है। अगर मैं ID कार्ड पर बात करूँ तो फोटो के नीचे और ऊपर होता है, बहुत लंबी डिजिट होती है, 21 से स्टार्ट होती है। तो वही आपका बारकोड है, वही आपका पासवर्ड है। तो जैसे आप दोनों डिटेल डालोगे और फिर आपको क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे उसके बाद आप अंदर आ जाओगे इसके डैशबोर्ड के अंदर। तो आपका जो डैशबोर्ड है, स्टूडेंट डैशबोर्ड है, वो आपका ओपन हो चुका है। आप देख सकते हो आपका स्टूडेंट डैशबोर्ड आ चुका है, यहाँ आपका रोल नंबर वगैरह शो कर रहा है। उसके बाद आपको सिंपली कहाँ जाना है, इसके बाद आपको सिंपली ये जो आपको 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, 3 डॉट देखिए, 1 2 3 दिखाई दे रहे, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपको जैसे आप क्लिक करोगे तो वहाँ माई अकाउंट का ऑप्शन आएगा। जैसे आप माई अकाउंट का ऑप्शन आएगा उसके बाद आपको कुछ ऑप्शन शो करेंगे, दिखा देता हूँ मैं कैसे ऑप्शन शो कर। तो जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो आपको माई अकाउंट पे क्लिक करना है। तो फिर यहाँ पे कुछ डिटेल आ गई है, कुछ सेक्शन आ गए है। तो अब हमें कहाँ जाना है, अब हमें जाना है ये देखिए, ये नीचे ऑप्शन क्या लिखा रहा है, चेंज मोबाइल एंड ईमेल, ये आ गया आपका मेन सेक्शन। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आप अंदर, जैसे ही आप चेंज मोबाइल एंड एड्रेस पे ईमेल पे क्लिक करोगे वैसे ही आप इसके अंदर आ जाओगे। आप देख सकते हो ये खुल चुका है माय अकाउंट का, ईमेल और एड्रेस का। अब देखिए यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल मांगेगा, ये डिटेल सिर्फ आपको पता होगी क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करोगे। तो सबसे पहले तो आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, मतलब कि आपने जो 12th क्लास की हुई है किस बोर्ड से की हुई है, CBSE से की हुई है, NIOS से की हुई है, UP बोर्ड से की हुई है, या ICI बोर्ड से की हुई है, या अदर बोर्ड से की हुई है। तो यहाँ पे सारे बोर्ड आ जाएंगे, जो नहीं आएंगे फिर अदर भी आप सिलेक्ट कर लेना। जैसे आप सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग एग्ज़ाम डालना है, कि जो आपका जो क्या कहते हैं, जो आपने 12th पास आउट की थी वो किस साल में की थी। तो वो आपको 4 डिजिट में मेंशन करना है, जैसे 2018 लिख रखा है तो आपकी जो 12th क्लास है किस ईयर में पास हुई थी। उसके बाद आपको बोर्ड एग्ज़ाम रोल नंबर डालना है, यानी जो 12th में जो आपको एग्ज़ाम रोल नंबर मिला था आपकी मार्कशीट पे होगा, आप देख लेना, आपको यहाँ पे वो डिटेल मेंशन करनी है। उसके बाद जैसे आप ये सब मेंशन कर दोगे उसके बाद फिर आपको आएगा नई चीज़, अब क्या मांग रहा है, अब आपको अपना मोबाइल नंबर, जो न्यू मोबाइल नंबर है, अब यहाँ पे आपको अपना न्यू मोबाइल नंबर डालना है। पुराना मोबाइल नंबर यहाँ पे शो करेगा, फिर आपको यहाँ से एडिट का ऑप्शन आएगा, ये सारा आप मिटो दोगे। उसके बाद नया मोबाइल नंबर, उसके बाद नई ईमेल आईडी, पुरानी ईमेल आईडी शो करेगी। उसके बाद फिर फाइनली आपको अपडेट नाउ पे क्लिक कर देना है, और जो आपका जो मोबाइल नंबर है और ईमेल एड्रेस है वो आपका अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये पूरा प्रोसीजर था जो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप अपना मोबाइल नंबर
और ईमेल एड्रेस चेंज करोगे, क्योंकि इसके अंदर जो सिक्योरिटी जो रहती है ये रहती है आपकी 12 की मार्कशीट और उनके नंबर और वो आपके पासिंग ईयर और एग्ज़ाम रोल नंबर। तो इसके बिना कोई भी इस पोर्टल का एक्सेस नहीं कर सकता। पुराना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस शो करेगा, उसको हटा के नया मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डाल देना, वन टाइम ही अपडेट होगा, उसके बाद अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे अपडेट करवा लेना और ठीक से डालना, आप क्या गलत मत कर देना, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जो भी अपडेट रहेगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आपकी जो भी डाउट हो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।